अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाती है तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया खेलने बिल्कुल नहीं जाएगा। कुछ इस तरह की बातें अब पाकिस्तान से आनी शुरू हो गई हैं। एक्चुअली बातें नहीं, कुछ इस तरह की धमकियां पाकिस्तान से आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मानो पाकिस्तान को अब थोड़ा सा अंदाजा लगने लगा है कि ना ही इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाएगा और ना ही पाकिस्तान के पास पूरी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबानी का मौका मिलेगा। यानी कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल में होगी और इंडिया के जो मैचेस हैं वो या तो श्रीलंका में होंगे या तो दुबई में होंगे। और इसी वजह से अब पाकिस्तान के सभी न्यूज़ चैनलों ने ये खबर चलानी शुरू कर दी है कि ठीक है, अगर इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आना तो ना आने दें, उनकी जगह हम या तो किसी और टीम को खिला लेंगे या फिर हम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने ही नहीं देंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से सिर्फ पाकिस्तान में ही होगी, जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना वो ना आए। और इसी के साथ पाकिस्तान ने यह भी धमकी दी है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आती है तो पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। अब देखिए, जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें आने शुरू हुई हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, र्यूमर्स भी सुने होंगे, क्योंकि ये पूरा जो सिनेरियो है ये हर दिन बदल रहा है। शुरुआत में पाकिस्तान का जो स्टैंड था वो बहुत फर्म था, उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी ना ही दूसरे देश में होगी ना ही हाइब्रिड मॉडल में होगी, अगर इंडिया को खेलना है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आकर खेले वरना हम किसी और टीम को बुला लेंगे। इसके बाद BCCI ने ICC से रिक्वेस्ट की कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो या तो श्रीलंका में कराए जाएं या तो दुबई में कराए जाएं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। और इस खबर के सामने आने के बाद मानो पाकिस्तान में थोड़ा सा बवाल मच गया, मानो उनको रियलाइज होने लग गया कि शायद एशिया कप के बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल में ना हो जाए। एशिया कप में भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना, मतलब एशिया कप से पहले पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में होगा, हाइब्रिड मॉडल में नहीं होगा, और इंडिया को अगर एशिया कप खेलना है तो पाकिस्तान आना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन बचे, या तो आप किसी और देश को मेजबानी दे दें या तो आप हाइब्रिड मॉडल में करा लें, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री करना पड़ा और जो इंडिया के मैचेस थे वो कोलंबो में हुए। और अब लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जब से BCCI ने ICC रिक्वेस्ट की है तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि BCCI की कोई रिक्वेस्ट ना मानी जाए। अब देखिए क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इस बात का फैसला ICC की मीटिंग में होगा। ICC की एक मीटिंग होगी 19 से 22 जुलाई तक, जहां पर फैसला लिया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर आयोजित होगी, इंडिया के मैचेस कहां होंगे और सारे मैचेस कहां पर होंगे। और ये जो मीटिंग है इसमें PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी होंगे। अब वैसे इस मीटिंग से पहले पाकिस्तान का बहुत फर्म स्टैंड है, पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होगी, इसलिए वहां से इस तरह की बातें आ रही हैं कि जब मोहसिन नकवी इस मीटिंग में जाएंगे तो उनका स्टैंड एकदम फर्म रहेगा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, ना हाइब्रिड मॉडल होगा ना दूसरे देश में होगा, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और हम इसी रुख के साथ जाएंगे। अब इसके अलावा इंडिया की ओर देखें तो बहुत कम चांसेस लगते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जाए, क्योंकि जो पॉलिटिकल रीजंस हैं, जो बहुत सारी वजह हैं जिनके चलते इंडिया ने लंबे समय से पाकिस्तान ट्रेवल नहीं किया है, दोनों टीमों ने बायलेटरल सीरीज़ नहीं खेली हैं, और अगर जब भी एशिया कप होता है, ICC टूर्नामेंट्स होते हैं तो इंडिया पाकिस्तान की जगह या तो दुबई में खेलती है या तो श्रीलंका में खेलती है या तो किसी और जगह खेलती है, पर इंडिया पाकिस्तान जाकर कभी नहीं खेलती। अब इसके बाद ये तो फैसला मीटिंग में ही होगा, जो ICC की मीटिंग होगी, कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या हाइब्रिड मॉडल में होगी या फिर पाकिस्तान में होगी। लेकिन पाकिस्तान को पूरा भरोसा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो होगी पाकिस्तान में, और अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बाकी की टीम्स हैं वो भी तो पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं, मतलब पाकिस्तान ने इस तरह की बातें की हैं कि जो बाकी की टीम्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली हैं वो सब पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इंडिया नहीं आती है या हाइब्रिड मॉडल यूज़ होता है तो फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इंडिया और श्रीलंका में होना है उसके लिए पाकिस्तान की टीम भी इंडिया जाकर नहीं खेलेगी। अब पाकिस्तान को जो भरोसा है, इस बेसिस पर उन्होंने एक प्रपोज डेट शीट निकाली जिसके हिसाब से जो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल था वो 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक था। पाकिस्तान ने कहा कि चलो पाकिस्तान में आने से इंडिया को दिक्कत है तो हम सारे मैचेस लाहौर में रख देते हैं, क्योंकि लाहौर का जो बॉर्डर है वो इंडिया के काफ़ी करीब है, तो फैंस चाहें तो लाहौर में आकर इंडिया के मैचेस देख सकते हैं। इसी बेसिस पर इंडिया के जो सारे मैचेस हैं वो लाहौर में रखे गए, और जो ग्रुप ए था उसमें इंडिया के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को रखा गया, ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान को रखा गया। इंडिया के मैचेस की बात करें तो इंडिया का जो पहला मैच था वो रखा गया लाहौर में बांग्लादेश के अगेंस्ट, दूसरा मैच 23 फरवरी को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो भी लाहौर में, और जो आखिरी मैच लीग स्टेजेस का था वो 1 मार्च को पाकिस्तान के अगेंस्ट वो भी लाहौर में रखा गया। अब जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप के बाद ये तो कंफर्म कर दिया कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी,
टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जरूर खेलेगी, कैप्टन रोहित शर्मा होंगे, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीतेगी। टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी कहा था कि बारबाडोस में जाकर हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, और इंडिया ने जीता। इसी तरह से उन्होंने कह दिया कि 2025 में पहले रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे और उसके बाद और इसी के साथ जयशाह ने यह भी कंफर्म कर दिया कि रोहित शर्मा पहले 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतेंगे। लेकिन जयशाह ने इस पर कोई अपडेट नहीं दिया कि क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जाकर खेलेगी। वेल, अब इन खबरों के बीच आपको क्या लगता है, ये जो मीटिंग होने वाली है इसमें क्या फैसला आएगा? क्या टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, या फिर हर बार की तरह जो इंडिया के मैचेस हैं वो या तो दुबई में होंगे या तो श्रीलंका में होंगे? इन शॉर्ट, जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल में होगी। वेल, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।